रिसीव दिस पीआर फ्रॉम टेस्टी मोमोज, और उन्होंने दो तरह के मोमोज दिखा रहा है, और ये क्या रहा ऐसा व्हाट 35 वन वीक यार, तो तुम मतलब दिमाग में इतना जोर मत दो, तुम्हारे लिए है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, माय ब्लॉग, माय न्यू वीडियो। तो आज संडे है और आज मैंने शावर लिया है ब्लू शैम्पू, जो कलर ट्रीटेड बाल होते हैं ना, तो उनको मेंटेन करने के लिए, टोनिंग मतलब बरकरार रखने के लिए ब्लू शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ माई सेकेंड टाइम, और मेरी थोड़ी सी ना जो हाईलाइट्स लो लाइट्स है ना, थोड़ी ब्रासी कलर की हो रही थी, सो वापस से थोड़ी ब्राउन और वार्म टोन्स की हो गई हैं, देखें है ना। कि बस अभी अभी व्लॉग अपलोड किया है, जो कि पूरे हफ्ते का, मैंने सोचा ये अच्छा आइडिया है पूरे पूरे हफ्ते का व्लॉग अपलोड करना, बट वो फिर बहुत लंबा हो जाता है और मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है तो मुझे पूरा देखें। तो गाइस थोड़ा सा प्यार दिखा दें, और खैर इसी के साथ आगे का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। एंड बैक टू द जिम, मंडे जिम डे, वंस अगेन जिम आ गए हैं, ऐसे आते हैं बस अपना, लेट्स गो एंड डू सम वर्कआउट एंड एक्सरसाइज, बस इधर चेक करें। आज मतलब वीकेंड के बाद आज आई हूँ और आज 45 मिनट्स क्लास की हालत ख़राब हो गई भाई, अभी भी बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, चेंज कर रहे हैं ऑफिस के लिए जाके, ये भी किया मैंने, ये भी फिनिश कर लिया। जिम से फारिग होने के बाद हम जा रहे हैं ऑफिस। ऑफिस नहीं, हम ऑफिस जाते हैं। देखें घर का रास्ता ये बिल्कुल भी नहीं, कतई ऑफिस घर का रास्ता नहीं है, हो भी सकता है, तुमने क्या पता आगे से लेफ्ट लूं घर आ जाए। मैं अपने व्यूअर्स तो दिखाती रहूंगी एंड टाइम तक, देखें मेरा ऑफिस ही है, फिर क्या दिखाऊं, छोड़ ऑफिस को देख के क्या करेंगे। आज भी है फल से का शेक मंगाया, जूस मंगाया और मेरा आटा भी आया एंड सम नेक्स्ट टाइम। और अब मैं खोलूंगी ये पार्सल जो आया था मुझे, आया क्या था, मैंने मंगवाया था, दिस इज़ बर्थडे गिफ्ट फॉर माई सेल्फ, मतलब मैं हर साल अपने आप को भी प्रेजेंट देती हूँ, तो आज मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया है एक ड्रेस। ड्रेस पूरा नहीं दिखाऊंगी, वो जब बर्थडे में पहनूंगी तब दिखाऊंगी, बट अभी सिर्फ इसकी ओपनिंग करते हैं, ऐसा मतलब खोल के नहीं दिखाऊंगी, बस ऐसे ऐसे दिखाऊंगी। ये मैंने लिया है लाम से, लाम में एक ब्रांड है कियारा समथिंग लाइक दैट, वहाँ से। तो खोलते हैं, कुछ ऐसा कलर है और ये क्या रहा? ऐसा है, ठीक है, अब बस यही है, अब मैं खुद पहन के देखती हूँ फिटिंग वगैरह सब इसकी कैसी है। आई रिसीव दिस पीआर फ्रॉम टेस्टी मोमोज, और उन्होंने दो तरह के मोमोज दिए हैं, तो अभी मुझे नहीं पता कि कौन से हैं, तो आई विल बी ट्राइंग। और ये दो तरह की सॉस है, दिस इज चिली ऑयल सॉस आई गेस, और ये जो सोया सॉस जो डिप होती है इनकी वो है, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, सो डिनर करके मतलब डिनर पे मैं खा के ट्राई करूँगी, इट लुक्स यम एंड इट स्मेल अमेजिंग सीरियसली। झुमराने का, बैठने का, लेटने का तरीका देखो, चुमा चुकू बैठी हुई हो, चुकू लेटी हुई हो, का बात हो गई, फिर बात हो गई तो बता दो, या आप उसके फेस पे देखें, ये सारे फंगस की वजह से, बस कुछ टाइम में मेरी बच्ची भी ठीक हो जाएगी। एंड आज मैं जिम नहीं गई, क्योंकि आज मूड नहीं था जिम जाने का, ऐसे सुबह बहुत जल्दी उठने का मूड नहीं था, तो मैं आराम से कुछ 9 बजे उठी हूँ, तैयार श्यार हुई हूँ, अब पठान का पराठा लेके ऑफिस में जाके खाऊंगी, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था कि फुल पठान के पराठे का नाश्ता करूँ। मैं जब शादी से पहले ऑफिस जब जा रही होती थी ना, तो मैं ऑटो में जाती थी, तो मेरा ऑटो वाला जब मुझे लेना आता था, मैं उसको कहती थी पराठा लेते हुए आना, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और ऑफिस हम टाइम से भी पहुँच जाए, तो
बहुत टाइम मुझे आज याद आ रहा था, तो मैंने कहा पापा हम ना पराठा लेते हुए जाएंगे। वैसे तो मेरे ऑफिस के नीचे भी पठान का होटल है, बट मुझे उसका पराठा पसंद नहीं है। हमारे घर के पीछे जो है ना उसका बहुत अच्छा सॉफ्ट और मतलब जैसा मुझे पसंद है। आई बी ईटिंग पठान का पराठा चाय इन ब्रेकफास्ट। बाबर को मैंने क्विज बना के दे दिया, पापा वो पी रहे हैं और मैं अपना नाश्ता करूँगी ऑफिस जाके। तो ये थी अपडेट, तो चलते हैं ऑफिस। इसको मैं अपने ऑफिस से लंच बॉक्स वाले बैग में रखूँगी और ऑफिस जाके खाऊंगी। थैंक यू बाबर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नहीं व्लॉग का तो सलाम हो गया था, मतलब इट्स अ न्यू डे न्यू मॉर्निंग। तो व्लॉग मैंने इतना खास बना रहे था तो कंटिन्यू ही होगा पिछली दफ़ा की तरह, एक हफ्ते का होगा। खैर सुबह हो चुकी है और आई एम हैविंग लस्सी। एंड आज बाबर जल्दी चले गए हैं ऑफिस, उनका काम था, तो हम इस वजह से जिम नहीं गए, क्योंकि अगर मैं खुद जिम मुझे वो ड्रॉप करते तो जिम का बैग वैग सब लेकर ऑफिस जाना होता, विच इज़ वेरी हैसल। तो मैंने कहा छोड़ो मैंने कौन सा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, जो एक दिन ना करूँ तो बहुत मतलब नुकसान होगा, तो आई थॉट कि आज स्किप करते हैं और डायरेक्टली ऑफिस जाऊंगी। शावर वगैरह भी ले लिया, अच्छा शावर का भी टाइम मिल गया, वरना सुबह 7 बजे उठना होता है। तो अभी मैं 9:30 बजे उठी, शावर वगैरह लिया, अभी कुछ टाइम हो रहा है 10:05, तो बस इन ड्राइव करवाते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। बाकी की रूटीन आपको दिखती रहेगी और चैनल को प्यार देते रहे ऐसे ही अभी तो नहीं दे रहे, मतलब जैसे सबको देते हैं वैसे तो चले सी यू अराउंड गाइस। एंड आई एम वेयरिंग दिस, दिखाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दुपट्टा इसका नहीं है बट आई काइंड ऑफ मैच कंट्रास्ट मैच विद दिस आउटफिट, सो दैट्स हाउ आई एम लुकिंग। अब मम्मी के लिए भी पिक्चर्स लेती हूँ और फिर चलते हैं ऑफिस। थैंक यू एसन, मरी हिल्स। अच्छा ये पूरा मॉल रोड बना हुआ है, वाह। हाँ मुझे भी यही अच्छा जी। एंड इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम, कुछ टाइम हो रहा है 10:23। चलिए नाश्ता करता हूँ, फिर मीटिंग्स वगैरह और सब सेटअप करते हैं। एंड सनान ने ये रिकॉर्ड कर दिया व्लॉग में, तो अब देखें कैसा होता है मेरी टीम के साथ इंटरेक्शन, और थोड़ा थोड़ा सा डांट भी लगाती हूँ, तो ऐसे हम काम करते हैं और ये बंदा बिल्कुल काम नहीं करता। अच्छा ये ऑडियो व्लॉग का कितना क्या स्टोरी पॉइंट यार, इसका आप कितने हैं? हाँ एक स्टोरी पॉइंट, एट एट इज व्हाट 30 आवर्स 1 वीक यार। तो तुम मतलब दिमाग में इतना जोर मत दो, तुम्हारे लिए है ना, तुम उतना ही रखो। ये भी ठीक है, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट हूँ, डेवलपर नहीं। और मुझे क्या लगना चाहिए मैं यहाँ पे क्या हूँ? आप मैडम ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशन आल्सो ब्लॉग है। ये मैं ब्लॉग में डाल दूंगी, ये काम बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता? बच्चों की तरह करता हूं काम, मतलब टीचर रोल की तरह मुझे उनसे काम करना है। जो एक नंबर है ये भी दिखाओ, मुझे मारेंगे क्यों? तुम्हें नहीं मार सकती मैं, कौन है वो? वरना बिस्मा का फेस एकदम रेड हुआ है जिम कर कर के, ऐसा लग रहा है कि टमाटर खा रहे। और इग्नोर कर रहे हैं अरसलान की कमेंट्री, जैसे मैं इग्नोर कर रही हूं वो सामने बैठ के। ठीक है बिस्मा, दिस इज किचन। किचन दिखने नहीं ना, मुझे तो भालू दिख, मुझे तो नुमान दिख रहा। सही कर सकते हैं, इतना मजा आ गया। अदीम बैठे हैं, अदीम आ जाओ, तुम्हारी डॉक्टर बुला रही है। आ जाए बाबा जान। और काम शाम करने के बाद लंच का मेन्यू है कबाब जीज एक्सप्रेस से सैंडविचेस अल्फ्रेडो पास्ता और पेरी बाइट्स, एंड इट वाज यम। लंच तो आज है फ्राइडे, तो वी आर डन विद आवर लंच। तो आज है फ्राइडे, 3 घंटे का ब्रेक, तो मैं कर रही हूँ ये 2 घंटे
2 घंटे का ब्रेक है, तो अब मेरे पास फ्री टाइम है तो ये बुक पढ़ेंगे। साथ में हमारी ग्रीन टी है और ये हम इधर ऑफिस में ही हूँ बैठे हुए। टाइम क्या हो रहा है, 2:15, अभी वी हैव 45 मिनट्स, तो जब तक काफ़ी हद तक तो मैं पढ़ ही लूँगी। सो लेट्स रीड द भाभीज ऑफ लाहौर। गाइस, सो टुडे इज, थोड़ी सी अपडेट दे दूँ, टुडे इज सैटरडे 18 मई, और ये ब्लॉग में जो संडे से कंटिन्यू किया हुआ वो अभी तक कंटिन्यू है क्योंकि छोटे 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 क्लिप्स हो रहे थे। खैर, आप मुझे देख रहे हैं तैयार, हसीन और जमील बने हुए क्योंकि आज है जाइना की बर्थडे। आज बाय द वे जाइना की बर्थडे, दुबा बाजी की बर्थडे, मेरी यूनिवर्सिटी की एक फ्रेंड है ना उसकी बर्थडे, फिर मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था फैसल, उसकी बर्थडे, मतलब 4 लोगों की बर्थडे है। तो आज खैर दुबा बाजी के पास तो मैं रात में हुई आई थी और जाइना के पास अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा केक शेक काटे और गिफ्ट मैंने जाइना को पहले ही दे दिया था। एंड आई एम वेयरिंग दिस, मुझे बहुत प्यार, बहुत, ये मैंने खुद बनवाया था, मतलब मैंने नहीं, अम्मी ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी स्लीव्स कुछ ऐसी हैं एंड यहाँ पे एक एम्ब्रॉयडरी का पैच है, यहाँ पे और एक नोट इस बाबर की पैंट। तो आई एम ऑलरेडी बाबर शावर लेने गए, तो बस बाबर आते हैं तो फिर हम चलते हैं। एंड हैप्पी बर्थडे जाइना वंस अगेन, एंड दुबा बाजी हैप्पी बर्थडे टू यू टू एज वेल, एंड हिना एंड फैसल यू गाइस, यू हैप्पी बर्थडे टू यू टू एज वेल, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, खैर हैप्पी बर्थडे एवरीबॉडी, और जिन जिन की और है 18 मई को उन सबको हैप्पी बर्थडे। तो खैर वेट करते हैं जब तक और फिर चलते हैं, सी यू। बर्थडे गर्ल कहाँ गई, ये मीमो इतनी क्यूट लग रही थी, मोमा तुम इतनी प्यारी लग रही थी। हैप्पी बर्थडे, नहीं ना हैप्पी बर्थडे से थैंक यू, ये तो इतनी ओवर क्यों हो रही है, इतनी खुश क्यों। बाय द वे यू लुक गुड इन दिस ड्रेस, हम यहाँ पे हॉरर बातें करते हैं। हॉरर स्टोरी तो सुनाओ, मोमा के पास सबसे ज्यादा हॉरर स्टोरीज होती हैं। अभी वो दुआ खा रही है जो क्या क्या क्या, कौन सी नई आई है, मेरे ना हमारे जो सबसे बड़ा घर बन रहा था ना, टुडे इज मनी इज, दिस इज मेथी आलू, दिस इज चाइनीज प्लेन राइस साथ, एंड यहाँ पे गोश्त भुन रहा है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है, मतलब प्यारा कह रही हूँ, यम्मी। आंटी ने नोट लिखवाया था लेकिन लिखा नहीं था, तो ये मैंने पॉइंटेड उससे लिख दिया, हैप्पी बर्थडे जी, आज हम पार्टी पकड़ के खा रहे हैं। सबसे पहले हमने बर्थडे गर्ल को खड़ा कर दिया, वो बेचारी वेट कर रही है और हम यहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं सबके आने का, फिर हम ताकि सेलिब्रेट करें। टुडे इज योगा क्लास, और योगा की मेरी ये पहली क्लास हो गई, मैंने वर्कआउट की तो ले ली थी, योगा की नहीं ले ली, तो नाउ इट्स टाइम फॉर डू सम योगा, लेट्स गो। मौसम अच्छा है,